तो बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उज्जैन के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां वो बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं और पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाबा महाकाल का दर्शन पूजन किया जा रहा है। उज्जैन के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर वो बाबा महाकाल को माला अर्पित करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुछ देर में महाकाल की सवारी निकलेगी, इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सवारी निकाली जाएगी और भक्तों को दर्शन देंगे बाबा महाकाल। सावन के सोमवार के अवसर पर यह सवारी निकाली जाती है और इसी मौके पर आज महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। और उसके पहले आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं बाबा महाकाल के। सावन के सोमवार का आज आखिरी दिन है और इसी मौके पर उज्जैन में महाकाल के दर से सवारी निकाली जा रही है। भक्तों को दर्शन देंगे बाबा महाकाल। इसी मौके पर महाकाल के दर पर पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव, जहां पर वो बाबा के दर्शन करते नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद महाकाल की सवारी निकाली जाएगी और इसके लिए श्रद्धालुओं और भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। लोग वहां जुटे हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। तो हर साल की तरह इस बार भी बाबा की सवारी निकाली जा रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं सीएम और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुछ ही देर में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। इसके पहले बाबा के दर पर सीएम मौजूद है, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और थोड़ी देर के बाद बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देंगे। तो आपको बता दें कि उज्जैन दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर उन्होंने कुछ देर पहले धार्मिक और धर्मस्व विभाग के कार्यालय का शुभारंभ किया और उसके बाद अब वो बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद सवारी निकाली जाएगी बाबा महाकाल की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या स्थिति वहां पर है, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, बड़ा अद्भुत नजारा है, क्योंकि आज श्रावण का पांचवा सोमवार और आखिरी सोमवार, उसके साथ अद्भुत सहयोग रक्षाबंधन पर्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं सभा मंडप में। भगवान महाकालेश्वर का चंद्रमौलेश्वर रूप में पूजन अभिषेक, क्योंकि आज श्रावण का पांचवा सोमवार है, तो भगवान को चंद्रमौलेश्वर रूप धारण कर रखा है और भगवान का पूजन अभिषेक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर विराजमान होंगे, हाथी पर मन महेश रूप में भगवान महाकाल विराजमान होंगे और नगर भ्रमण पर भगवान महाकाल निकलेंगे। मुख्यमंत्री पालकी को कांधा देंगे और पालकी मंदिर से रवाना होगी। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस के जो जवान है वो गार्ड ऑफ ऑनर भगवान को देंगे और ये पालकी का जो क्रम है वो देर शाम 7 से 8 बजे तक लगातार जारी रहेगा। अलग अलग मुख्य मार्ग होता हुआ ये पूरा नगर भ्रमण करेगा।
पूरे बड़ी संख्या में जो कि भक्त आए हुए भक्त पहुंचे हुए हैं धर्म नगरी और भगवान की एक झलक पाने के लिए आतुर है। फिलहाल तैयारियां पूरी है और पूजन के बाद देखिए बस पालकी अब से कुछ ही देर में निकलने वाली है। भगवान ध्वज ढोल और जो देखिए आज सीआरपीएफ बैंड की जो विशेष प्रस्तुति है मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार वो होना है। कुछ दिनों पहले हमने देखी कि डमरू वादक जो है उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड धर्म नगरी में कायम किया। इसके अलावा अलग अलग जो जनजातीय दल है अलग अलग क्षेत्र के वो बाबा महाकाल की सवारी में प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो ये सब कुछ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप हो रहा है और इस सवारी को भव्य रूप देने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए शाही छाट बाग के साथ अब बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। ये देखिए शिप्रा नदी ये सवारी पहुंचेगी लगभग 5 बजे करीब और वहां पर भगवान का पूजन होगा अभिषेक होगा और वहां पर भी गार्ड ऑफ ऑनर भगवान को दिया जाएगा। तो ये पूरा लाभ लश्कर के साथ प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल सावन के महीने में निकलते हैं और इसके अलावा अब आने वाले जो दो सोमवार है भादो महीने के उसमें भी बाबा महाकाल निकलेंगे नगर भ्रमण पर। तो सावन की 5 सवारी और भादो की 2 सवारी। देखिए चार सवारी 2 सितंबर को निकलेगी जिसमें बड़ी संख्या में जो बैंड बाजे हैं जो झांकियां हैं अलग अलग तरह की वो देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग उस दिन भी पहुंचते हैं और इस सवारी को लगातार भव्यता की और बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया जा रहा है। उनका स्पष्ट कहना है कि सवारी में हर उस चीज का उपयोग किया है जो पुराने वैभव को लौटाए। तो अब जो है उसी के अनुसार ये काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जो है पूजन अभिषेक कर रहे हैं। भगवान से कुछ देर में मंदिर से ये सवारी निकलेगी। देखिए तमाम जो आला अधिकारी है वो सुरक्षा में क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में आज धर्म नगरी पहुंचे हुए हैं तो तमाम आला अधिकारी सुरक्षा में तैनात हैं। जो जनप्रतिनिधि वो मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हुए हैं। तो ये देखिए बड़ी भव्यता है इस सवारी की क्योंकि बाबा महाकाल आज अद्भुत सहयोग भी है। श्रावण का 5वां सोमवार रक्षाबंधन पर्व और तो 3 अद्भुत संयोग की वजह से भक्तों की जो संख्या है वो भी आज जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भक्त सुबह से ही जब से भस्म आरती शुरू हुई देखिए भस्म आरती में आज सबसे पहले भगवान को राखी बांधी गई। जो विशाल राखी है वो जो पुजारी परिवार की महिलाएं हैं वो बना के लाई और भगवान को भेंट की। उसके बाद पूरा जो देश है पूरा जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ सुबह से मना रहे हैं। तो ये जो क्रम है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ और देखिए महाकाल को तो कहा गया है कि पृथ्वी के अधिपति हैं राजाधिराज हैं वही संसार को चलाते हैं वही संसार देखिए काल की गणना उज्जैन से होती है। बिल्कुल राहुल और जाहिर तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं मनमोहक तस्वीरें हैं विहंगम तस्वीरें हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि महाकाल के भक्त के तौर पर उनकी मौजूदगी है। सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं राहुल ये भी बताइएगा और साथ में जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों की चूंकि आज आखिरी सोमवार है भक्तों की जाहिर तौर पर भीड़ जो है वो नजर आ रही है तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मंदिर की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जब से सुरक्षा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास ध्यान रखा जाता है। लोगों के हाथ में डमरू होंगे तोप देखिए शाही जैसे ही भगवान निकलते हैं मंदिर से तो तोप के माध्यम से एक आगाज किया जाता है आह्वान किया जाता है कि भगवान निकल रहे हैं और अब जो है ये जो क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद है। सुबह ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम जो साय हैं उनसे बातचीत की। सीएम साय भी आज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हुए थे सपरिवार के साथ और उन्होंने गर्भगृह में भगवान का पूजन किया अभिषेक किया। तो ये देखिए ये भव्यता है ये आस्था है और हर किसी को भगवान के प्रति जिसकी भी आस्था है वो खींचा चला आता है और यहाँ आके जो एनर्जी मिलती है यहाँ आके जो एक ऊर्जा मिलती है ऊर्जा का संचार होता है वो अपने आप में अलग है वो अपने आप में अद्भुत है। तो ये एक अलग ही पहचान का।
बिल्कुल राहुल, और एक बार मैं चाहूंगी कि जो साज सजावट मंदिर में की गई है उसकी भी तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए, और एक बार भोलेनाथ के दर्शन भी करा दीजिए, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और उसके बाद एक साल का इंतजार भक्तगण को करना पड़ेगा, और आज बाबा की जो शाही सवारी है वो भी निकाली जाएगी, तो उसकी सजावट किस तरीके से की गई है वो भी जरा दिखाइए। तो राहुल तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर यहां पर शाही सवारी निकाली जा रही है, और ये देखिए, ये अब से ये आपको पूरी सवारी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से गुलदस्ते से इस महाकाल की सवारी को सजाया गया है, और बाबा महाकाल की सवारी जो है वो निकाली जा रही है, भक्तों को दर्शन देंगे बाबा महाकाल, और यहां पर उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बाबा महाकाल के दर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि बाबा के भक्त के तौर पर वो यहां पर मौजूद हैं और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, और आज शाही सवारी का अपना महत्व होता है कि वो नगर भ्रमण करते हैं और उसके बाद भक्तों को दर्शन देते हैं। आज की शाही सवार इसलिए भी खास क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। वीडी शर्मा की भी तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से वहां पर झाल बजाते हुए दोनों ही नेता जो हैं वो नजर आ रहे थे, और यहां पर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रही है, देखिए भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, और अब महाकाल की जो शाही सवारी है वो नगर भ्रमण पर निकल गई है। आप देखिए भक्तगण किस तरीके से मौजूद है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भक्त यहां पर पहुंचते हैं इस शाही सवारी को देखने, बल्कि अलग अलग यहां पर राज्यों से भी भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि इस शाही सवारी का अपना एक अलग महत्व होता है और भक्तों को दर्शन इसके जरिए बाबा महाकाल देते हैं। तो सावन के सोमवार के अवसर पर जो महाकाल की सवारी है वो निकाली गई है, और यहां पर बाबा महाकाल के दर पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल की, और उसके बाद यहां पर महाकाल की जो शाही सवारी है वो नगर भ्रमण के लिए निकली है, तो भक्तों को दर्शन बाबा महाकाल देंगे। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए, प्रशासनिक स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की भी ओर से, मंदिर प्रबंधन की भी ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो बाबा महाकाल की यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सावन के सोमवार के अवसर पर ये सवारी निकलेगी, और ये सवारी निकल रही है, जो तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें, और हर सोमवार पर इसी तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये सावन का आखिरी सोमवार है, चूंकि आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, और बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है वो निकाली जा रही है, भक्तों को बाबा महाकाल दर्शन दे रही है। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति, और यहां पर जो भी दर्शक हमारे घर बैठे हैं वो घर बैठे बाबा महाकाल के इस स्वरूप की दर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद हैं, भक्तगणों की मौजूदगी है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग यहां पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से भी लोग यहां पर आते हैं, और यहां पर भक्तों को दर्शन बाबा महाकाल देते हैं। नगर भ्रमण बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है उससे कराई जाती है, और इसकी वजह से जो जिस जिस रूट पर ये शाही सवारी जाती है उस रूट पर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की जो विपरीत परिस्थिति है वो उत्पन्न न हो, और हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है वो निकाली जाए। भक्तों का उत्साह आप देख सकते हैं, और चलिए अधिक जानकारी के साथ राहुल राठौड़ जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल जरा तस्वीरें आप दिखाइए, चूंकि शाही सवारी निकल चुकी है, और मैं जो देख पा रही हूं
सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। क्या तस्वीरें, क्या मनमोहक तस्वीरें, विहंगम तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? तो राहुल तक हमारी, राहुल आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, राहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा महाकाल की शाही सवारी, सावन का आखिरी सोमवार आज, और आज बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने निकले हैं शाही सवारी के जरिए। सुंदर तरीके से ये सवारी को सजाया गया है, आप तस्वीरें देखिए, फूलों से इसे सुंदर तरीके से सजाया गया है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री झाल बजाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीर महाकाल की दर्शन भक्त कर सकते हैं, और यहां पर जो घर बैठे भी हमारे दर्शक हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं। तो बाबा महाकाल की शाही सवारी हर सोमवार को निकाली जाती है, और सावन का आज आखिरी सोमवार है, रक्षाबंधन का भी दिन है, और इस अवसर को और भव्य बनाने के लिए इस शाही सवारी को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही की गई थी। और ये तस्वीर आप देखिए, जिस जिस रूट से ये सवारी गुजर रही है वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जा रही है, और ये भक्तों का उत्साह देखिए आप जरा, बम बम भोले के जयकारे से वो पूरा जो मंदिर का इलाका है वो गूंज उठा है। सावन के आखिरी सोमवार की ये तस्वीरें, जहां पर बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई है, निकाली जा रही है, और डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सबसे पहले क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो काफी भीड़ है वहां पर, और शायद इसी वजह से हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप ये तस्वीरें जरा देखिए, बाबा महाकाल की शाही सवारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री का ये गृह क्षेत्र भी है उज्जैन, और मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं अपने संबोधन में महाकाल का जिक्र वो जरूर करते हैं, और इससे पता चलता है कि कितना जो भावपूर्ण संबंध महाकाल से वो साझा करते हैं। और बाबा महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ ही जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा, उनकी भी मौजूदगी है, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु के तौर पर, भक्त के तौर पर बाबा महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई, और महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। और उस पूजा अर्चना की भी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं छोटे स्क्रीन में, और उसके बाद ये शाही सवारी की जरा आप तस्वीरें देखिए, जहां पर सुरक्षा बलों, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, और ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें जब शाही सवारी को निकाला जा रहा था, और ये बाहर की तस्वीरें आप जरा देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां पर दिया जाता है, और उसे लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अमला देखिए बिल्कुल मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है, बैरिकेटिंग की गई है, और ये देखिए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सोमवार को ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और
पीछे पीछे चलते रहो। लाइव कट रहा है, लाइव तस्वीरें दिखाते रहो। और राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल तस्वीरें दिखाइए आप, और ये भी दिखाइए कितने भव्य तरीके से ये सवारी निकाली जा रही है। Thank you.
बच्चे बिल्कुल भी ना करें, बाल के पीछे ना दौड़ लगाएं, जहां पे करें वहीं पर करें, धक्का मुक्की।